हेलो फ्रेंड्स, मैं रणवीर तिगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे वोकैबुलरी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वोकैब की सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो मेरे भाई थोड़ा सा बड़ा होगा, बट लेकिन आज हम जो जो वर्ड्स करने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए सारे कैसे होंगे, नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई आज हम लोग जितने भी वर्ड सीखेंगे ना, इन वर्ड्स को थोड़ा सा टिपिकल होंगे, इसलिए आपको रिमेम्बर रहे, आप ये सारे वर्ड्स विद मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाना, एक एक करके लिख देना। तो उससे क्या होगा, आपको लिख लोगे, टाइप कर लोगे, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला वर्ड मेरा भाई क्या है, पहला वर्ड हमारा क्या है, स्टम्बलिंग है। स्टम्बलिंग, स्टम्बल आपने वर्ड सुना होगा, उससे निकला हुआ है स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग मेरे भाई एक बहुत ही निगेटिव, एक बहुत ही नकारात्मक शब्द है मेरे भाई। कहते हैं एक आपने वर्ड सुना होगा ठोकर खाना, कि इंसान ठोकर खा के लाइफ में बहुत कुछ सूखता है, वो एक पॉजिटिव सेंस में। लेकिन जो स्टम्बल है उसका मीनिंग होता है ठोकर खाना एक निगेटिव सेंस में, कि तुम ऐसा किए हो जैसे तुम्हें आज जीवन में तुम ठोकरे खा रहे हो। तुमने उस समय का अपनी बातों को समझ लिया होता, अपनी मेहनत को समझ लिया होता, तो आज के एरा में तुम ठोकर नहीं खा रहे होते, लाइफ में कुछ बन जाते। तो मेरे भाई ठोकर कहना कैसा एक वर्ड है, एक निगेटिव वर्ड है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, स्टम्बल होती है। मेरे भाई इसी के साथ साथ इसके तीन सनोनिम्स, सनोनिम्स मतलब पर्यायवाची मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वाले तीन सनोनिम्स भी देख लो। पहला होता है फिल्टरिंग, फिल्टर क्या होता है, फिल्टरिंग होता है, ठीक है। फिल्टर का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, ठोकर खाना होता है। एक वर्ड होता है हमारा स्टैगर, आपने वर्ड सुना होगा स्टैगरिंग, ठीक है। तो स्टैगर हो गया, स्टैगरिंग एक हमारा वर्ड क्या होगा, स्टैगर हो गया। एक आपने वर्ड सुना होगा स्ट्रगल करना मेरे भाई, संघर्ष करना एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन संघर्ष हमारे नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कि उस कहते हैं कि लाइफ के दो स्पैन होते हैं, दो स्पैन होता है, एक पहले एक बिफोर का, ठीक है, एक एंटी एक प्राइम का होता है। अगर आपने लाइफ में पहले संघर्ष कर लिया है तो बाद की जो जिंदगी है वो लोग कहते हैं कि अच्छी बीतती है। अगर आपने पहले बहुत मजे से गुजार लिया है तो बाद की जिंदगी कैसी हो जाएगी मेरे भाई, संघर्षपूर्ण हो जाएगी, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी। लाइफ में आपको हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ भी पाने के लिए आपको अपनी इच्छाओं से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चल स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। मेरे भाई बोर्ड पे देखो चार आपको ये वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, जो हमारा वर्ड थर्ड है हम लोगों ने कल पढ़ा था डॉज। डॉज का मीनिंग क्या होता है आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में बताना, कि डॉज का मीनिंग क्या होता है। हम लोगों ने इसको अपने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था, इस तरह हम लोग का आपके रिवाइज भी होता रहेगा, रिविजन होता रहेगा। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब मेरे भाई क्या होता है, आप एक डिलेमा की सिचुएशन है। आपने ये दो वर्ड बहुत सुने होंगे, एक स्केप्टिकल बहुत आता है पहले पेपर में, डिलेमा वर्ड बहुत पूछा कि डिलेमा की सिचुएशन है। डिलेमा का मतलब क्या होता है, एक डाउटफुल सिचुएशन है, एक कंफ्यूजन सिचुएशन है मेरे भाई। तो स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, कि संदेहपूर्ण मेरे भाई, डाउटफुल सिचुएशन है, ठीक है, क्या है, डाउटफुल सिचुएशन है, ठीक। डॉज कमिंग आपसे पूछा है, आप उसको कमेंट में बताना। उसके बाद वेरेशियस, वेरेशियस मेरे भाई इसको याद करना, हम लोग आप अपने रूट वर्ड सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक रूट वर्ड है, देखो VER, वेर, वेर हमारा क्या होता है, वेर हमारा एक रूट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है मेरे भाई, क्या होता है, ट्रुथ होता है। जब भी हमारा कोई वर्ड वेर से होगा तो उसकी मीनिंग ट्रुथ होती है, तो जो वर्ड की मीनिंग होगी वो ट्रुथ के स्पेक्ट्रम में, रेंज में इधर उधर घूम रही होगी। तो वेरेशियस का मतलब क्या होता है, वेरेशियस का मतलब होता है ट्रुथफुल इंसान, जो काफी सच्चा इंसान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज अ वेरेशियस गाय, ट्रुथफुल। लास्ट में देखो IOUS लगा है, लास्ट में OUS लगा है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा मेरे भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेसिक सी बात है, ध्यान रखना वेरेशियस क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड क्या है, एडमोनिश। मम्मी जब छोटे में हम लोग शरारत करते थे या फिर जब होमवर्क करके आते थे तो टीचर क्या करती थी, हमें
स्कॉल्ड करती थी, डांटती थी। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड ही होता है मेरे भाई। आई विल स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना होता है। स्कॉल्ड, डांटना, ठीक है मेरे भाई। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना होता है। एडमोनिश का मतलब मेरे भाई क्या होता है? एडमोनिश का मतलब डांटना होता है, स्कॉल्ड करना होता है, ठीक है। फटाक से रिवीजन देख लो। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? डाउटफुल होता है, डिलेमा की सिचुएशन होती है। डॉश का मीनिंग कमेंट में बताना। वेरेशियस, वेरेशियस में वी ई आर एक रूट वर्ड है, जिस वी ई आर एक रूट वर्ड है। वेर का मतलब होता है ट्रुथ, तो उस जो हमारा वर्ड होगा वो ट्रुथ के रिगार्डिंग होता है। वेरेशियस का मतलब क्या होता है? ट्रुथफुल होता है। अगला वर्ड क्या था? एडमोनिश था। अगला वर्ड क्या था? एडमोनिश था। एडमोनिश का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, डांटना। स्क्रीनशॉट लो, अगले वर्ड पे चलते हैं। भाई मेरे देखो, पूरा बोर्ड हमारे वर्ड से भर गया है। पहला वर्ड क्या है? कैप्रीशियस होता है। कैप्रीशियस की अगर हम लोग हिंदी की बात करें, ऐसा इंसान जिसका मूड बहुत स्विंग करता रहता है। मूड स्विंग करने का मतलब है कि अभी ये करने का मन है, अभी वो करने का मन है। तो मनमौजी जिसको कहते हैं, काफी मनमौजी प्रवृत्ति का इंसान है, तो कैप्रीशियस बोलते हैं मेरे भाई। क्या होता है ऐसे इंसान को हम लोग इम्पल्सिव बोलते हैं। काफी इम्पल्स नेचर का है कि अभी ये करने का मन कर रहा था, अभी फिर एकदम सडन चेंज कर देगा मूड, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? कैप्रीशियस बोलते हैं। ओ यूएस लगा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटीज को डिफाइन करेगा? नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्रीगियस लिखा है। एग्रीगियस लिखा है मेरे भाई। एग्रीगियस हमारा एक नेगेटिव वर्ड होता है। काफी जो बैड सिचुएशन होती है, वर्जन सिचुएशन होती है मेरे भाई, वो क्या होती है हमारी, उसके हम लोग बोलते हैं एग्रीगियस। एग्रीगियस तो एग्रीगियस का मीनिंग क्या होता है? वेरी बैड, बहुत खराब सिचुएशन। कहते नहीं कि हम एकदम बद से बदतर स्थितियों में इस समय हमारा जीवन चल रहा है, तो हमारा भाई कहता है एग्रीगियस सिचुएशन, ठीक है। और हाँ, एक बात और, लाइफ में यार देखो, जब समस्याएं आ रही होती हैं तो उस समय हमें कभी कभी हमेशा लगता है कि यही लाइफ का एंड पॉइंट है, क्या भगवान ने सारा संघर्ष हमारे ही जीवन में लिख दिया? तो भाई अगर आसान भाषा में कहें व्हाट इज द लाइफ, तो लाइफ इज द स्ट्रगल भाई। भाई जीवन का नाम ही संघर्ष है, ठीक है। तो चलता रहता है, ठीक है। देखो कभी ना कभी भगवान को भी अपनी दया आ जाएगी और तुम पे कृपा बरसाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इवोकेटिव, इवोकेटिव का मतलब मेरे भाई क्या आता है? इवोकेटिव, ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड क्या है? इवोकेटिव, ऐसी ऐसी जो इमोशंस होते हैं जो काफी फर्मली डिटरमाइंड होते हैं। अराउजस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आपके अंदर से एक ऐसी फीलिंग्स जनरेट हो रही है जो काफी डिटरमाइन है आपके गोल को पाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो इवोकेटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इवोकेटिव का मतलब होता है अराउजस स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर फीलिंग, आपके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग, काफी डिटरमाइंड, काफी तेज फीलिंग जो जनरेट हो रही है। तो इवोकेटिव का मतलब क्या रे भाई? क्या हो जाएगा? अराउजल हो जाएगा, अराउजल स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाएगा। उसके बाद देखो, एक साथ दो वर्ड लिखे हुए, एक्सटोल लिखा हुआ है और एक वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ मेरे भाई? एक्सल्ट लिखा हुआ है। एक्सटोल और एक्सल्ट, हॉल्ट मत समझ लेना, हॉल्ट एक अलग वर्ड होता है। एक्सटोल है और एक्सल्ट है, दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी की तारीफ करना, प्रेस करना, एडमायर करना, अप्लॉड करना। तो एक्सटोल और एक्सल्ट का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? प्रेस करना, मतलब तारीफ करना, पी आर ए आई एस सी। एक्सटोल या फिर एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? प्रेस होता है। मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला हॉल्ट करना, आपने बहुत सुना होगा जर्नल टर्म्स में कि ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती है, तो हॉल्ट का मतलब मेरे भाई क्या होता है? हॉल्ट का मतलब स्टॉप होता है, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारा क्या है? रिलिंक्विश। रिलिंक्विश एक वर्ड आपने एग्जाम से बहुत देखा कि भाई मैं वर्ब है, ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों से हार के चीजों को छोड़ देना, मतलब गिव अप कर देना। जब आपको लगता है ना कि अब तो हमसे ना होगा, मैं जा रहा हूँ गिव अप करने, छोड़ने जा रहा हूँ भाई, हमसे ना हो पाएगा। एक बार जब भी हम लोग किसी चीज को छोड़ रहे होते हैं तो वहां से उसको वापस शुरू करने का मौका होता है, लेकिन कब तक? एक एज लिमिट में, क्योंकि हर चीज को पाने की उम्र होती है। तो जब तक मौका है भाई, जी जान लगाने लगाना है, करना ही करना है। जब आपको पता होता ना कि मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर हम प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत को तो हम कर ही नहीं सकते। और जब मुझे पता है कि भाई अब तो मेरे लिए सिर्फ यही है, तो फिर हाउ एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट टू गेट इट, ठीक है। तो मेरे को तो करना ही करना पड़ेगा। तो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना, हार मानना, ठीक है मेरे भाई। तो जितने कोई आज के 10 वर्ड्स
10 से ज्यादा थे, मोर देन 10 वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट थे मेरे भाई, इसलिए आपसे मेरी विनम्र आग्रह है, अनुरोध है आपसे कि ये सारे वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में विद मीनिंग लिखना मेरे भाई, लिख लोगे तो सारे वर्ड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। उससे हमें भी पता चलेगा कि आपका जो इंटरेक्शन है इंग्लिश के वोकैब के रिगार्डिंग वो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चैनल में मेरे भाई अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जो मैंने वर्ड्स बोले हैं इसको लिखो, अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग या फिर अगर इंग्लिश में किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो वो डालना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया।